मनुष्य जीवन बहुत ही अनिश्चित है और कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। हम सब ने अपने जीवन में कहीं ना कहीं कोई सहयोग का आमना सामना तो जरूर किया होगा, पर हम उन्हें बेतुकी घटनाएं मानकर नकार देते हैं। लेकिन कभी कभी ये सहयोग इतने अद्भुत और चौंकाने वाले होते हैं कि आपको आश्चर्यचकित कर देते हैं। आज अनोखे सच आपके सामने पेश करेंगे दुनिया के ऐसे ही 15 अद्भुत संयोग जिन पर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। शुरुआत करने से पहले लाइक बटन को क्लिक करें जिससे हमें प्रेरणा मिले, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप ऐसे अनोखे सच के बारे में जानते रहें। जेम्स डीन की शापित कार। साल 1955 में जेम्स डीन अपनी पोर्शे कार चलाते समय एक भयानक कार दुर्घटना में मारे गए थे। फिर उनके कार को मरम्मत के लिए एक गैराज में ले जाया गया, जहां एक मैकेनिक उसकी मरम्मत करते समय कार का इंजन फिसल गया, जिससे उस मैकेनिक के दोनों पैर टूट गए। इसके कुछ साल बाद एक डॉक्टर ने अपनी रेसिंग कार के लिए उसी पोर्शे कार का इंजन खरीदा, और फिर कार रेस में भाग लेने के कुछ समय बाद ही उनकी मौत हो गई। इस हादसे के सालों बाद जिस गैराज में जेम्स डीन के कार की मरम्मत हुई थी वो आग से जलकर तबाह हो गई, पर वह कार पूरी तरह से सलामत थी। इसके बाद जब उस कार को दिखाने के लिए सैक्रामेंटो भेजा गया, तब कार अपने माउंट से गिर गया, जिससे दुर्भाग्यवश एक किशोर की कमर बुरी तरह से घायल हो गई। पर इस शापित कार से जुड़ी दुर्घटनाएं यहीं खत्म नहीं होती। जिस ट्रेलर की मदद से उस पोर्शे को खींचा गया था वो ट्रेलर ओरेगॉन में रखा गया था, जब अचानक एक दिन वो अपने टो बार से फिसल कर एक दुकान के सामने जा टकराया। अंत में 1959 में इस कार के रहस्यमय तरीके से 11 टुकड़े हो गए, जबकि कार स्टील के सहारे पर रखी हुई थी। अब ये शापित कार पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। ह्यूज विलियम्स, जहाज दुर्घटना के सर्वाइवर। इतिहास के पन्नों में हजारों जहाजों से जुड़ी दुर्घटनाओं का उल्लेख है। ऐसी ही एक दुर्घटना है साल 1660 की, जब डोवर स्ट्रेट्स में एक जहाज डूब गया। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि जहाज डूबने के बाद भी उस पर सवार सिर्फ एक ही व्यक्ति जीवित बचा, जिसका नाम था ह्यूज विलियम्स। फिर 1767 में उसी जगह एक और जहाज डूब गया, और उस दुर्घटना में भी जो एक ही व्यक्ति जीवित बचा उसका नाम भी ह्यूज विलियम्स ही था। इसके बाद 1820 में टेम्स नदी में एक जहाज पलट गया, और उस जहाज पर भी एकमात्र जीवित बचने वाले व्यक्ति का नाम ह्यूज विलियम्स ही था। 1940 में एक जर्मन षड्यंत्र द्वारा एक जहाज को नष्ट कर दिया गया था। उस हादसे में जहाज पर सवार सभी लोग मारे गए सिवाय दो लोगों के, और अब ये सोचिए जरा कि बचने वाले दोनों लोगों के नाम क्या होंगे। बचने वाले दोनों में चाचा भतीजे का रिश्ता था, और दोनों के ही नाम ह्यूज विलियम्स ही थे। वुडस्टॉक पर मिलने वाले सच्चे प्रेमी। क्या कोई भला ये उम्मीद रखता है कि उन्हें अपना जीवन साथी कभी किसी संगीत समारोह में मिल जाएगा? इतिहास के सबसे प्रसिद्ध संगीत समारोह में वुडस्टॉक संगीत समारोह का जिक्र भी हुआ करता था। इस तस्वीर में मौजूद दंपत्ति वुडस्टॉक संगीत समारोह में मिले, और फिर पूरे समारोह में एक साथ इन्होंने समय बिताया, और उनका रिश्ता यूं ही बरकरार रहा, और आखिरकार इन्होंने शादी भी की। आज भी ये साथ हैं, और हाल ही में इन्होंने अपनी शादी की 48वीं सालगिरह भी मनाई। वुडस्टॉक के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, और इन किताबों के कवर पर इसी प्रेमी जोड़े की पहली तस्वीर देखने को मिलती है। तो अगली बार जब आप किसी संगीत समारोह में जाए तो आप भी ये उम्मीद रख सकते हैं कि शायद आपकी मुलाकात भी किसी ऐसे ही खास व्यक्ति से हो जाए। जॉन एफ कैनेडी और अब्राहम लिंकन हत्या संयोग। अमेरिका के ये दोनों प्रसिद्ध राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और अब्राहम लिंकन वहाँ के लोगों के बीच प्रसिद्ध थे और बहुत जनप्रिय नेता थे। अब्राहम लिंकन पहली बार 1846 में कांग्रेस के लिए चुने गए थे, और जॉन एफ कैनेडी उसके ठीक एक सदी बाद 1946 में कांग्रेस के लिए चुने गए। अब्राहम लिंकन ने अपना चुनाव 1860 में जीता, और 1861 में उन्होंने अमेरिकन राष्ट्रपति के पद की शपथ ली थी। जॉन एफ कैनेडी ने भी 1960 में अपना चुनाव जीता, और 1961 में उन्होंने अमेरिकन राष्ट्रपति के पद की शपथ ली। दोनों राष्ट्रपतियों के ही जॉनसन नाम के उपराष्ट्रपति और सत्ता के उत्तराधिकारी थे। दोनों अधिनायकों की उनकी पत्नियों के सामने सिर में गोली मारकर शुक्रवार के ही दिन बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।
बंदूक की वो गोली जो अपने शिकार को सालों बाद मार देती है। 1883 में हेनरी जिगलैंड नामक एक व्यक्ति को गोली मारी गई थी। गोली उनके चेहरे को चीरती हुई एक पेड़ में जा लगी। इस हादसे के सालों बाद जिगलैंड उसी जगह को देखने की इच्छा से वहां वापस गए और उन्होंने अपने साथ विस्फोटक की कुछ लड़ियां भी ली, ये सोचकर कि गोली को उस पेड़ से बाहर निकालने के लिए पेड़ को उड़ा देना सबसे अच्छा तरीका होगा। जब पेड़ को बारूद से उड़ाया गया तो वो गोली वहां से निकलकर जिगलैंड के सिर में जा लगी और उनकी वारदात पर ही मृत्यु हो गई। ये बहुत ही डरा देने वाली घटना थी क्योंकि वही गोली जो सालों पहले जिगलैंड को मारने के लिए चलाई गई थी आखिरकार अपना काम कर गई। बोतल में संदेश प्रतियोगिता। साल 2006 में मार्क एंडरसन नामक एक व्यक्ति को बोतल में एक संदेश मिला जो 92 साल पुरानी थी। इस घटना के पश्चात उन्हें बोतल में सबसे पुराने संदेश को खोजने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान भी दिया गया। वे अपनी इस उपलब्धि पर बहुत गर्व करते थे और अक्सर अपने दोस्तों और साथी मछुआरे एंड्रू लिवर के सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे। लेकिन इसके 6 साल बाद एक अद्भुत घटना घटी जब एंड्रू लिवर एक कप्तान के पद पर कोपियस नामक एक स्कॉटलैंड के तटीय इलाके में काम कर रहे थे, तब वैसी ही एक बोतल बंद संदेश उनके भी हाथ लगी और वह संदेश 98 साल पुरानी थी जो कि मार्क एंडरसन के 92 साल पुराने संदेश खोजने के रिकॉर्ड को हरा चुकी थी और इसीलिए एंड्रू लिवर का नाम उनके दोस्त की जगह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्जित किया गया। उनका साथ होना लिखा था। क्या एक अजनबी का किसी और परिवार के पारिवारिक तस्वीरों के एल्बम में दिखना सामान्य है? अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखें, तो आपको लगेगा कि एक परिवार के लोग इकट्ठे अपनी छुट्टियां मना रहे हैं। लेकिन रुकिए, ऐसा लग रहा है कि तस्वीर में वो अजनबी भी उसी समय उसी जगह पर मौजूद है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस तस्वीर के खींचे जाने के 7 साल बाद इसी अजनबी की तस्वीर में बाई तरफ खड़ी महिला से शादी हो गई, जबकि जिस समय ये तस्वीर ली गई थी उस समय ये दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। हाल ही में उनके सालगिरह पर उन्हें इस बात का पता चला कि वे दोनों एक ही समय पर एक ही जगह मौजूद थे। एक ही तस्वीर, एक ही उम्र, एक ही जगह। जब एक दंपत्ति अपनी पुरानी पारिवारिक तस्वीरों को देख रहे थे तब उन्हें इस इत्तेफाक का पता चला कि उन्होंने 10 साल की उम्र में हर्षे पार्क में अपने अपने परिवार के साथ हूबहू एक जैसी तस्वीरें ली थी। वे उस दिन तो नहीं मिले, पर जब वे फिर मिले तब वे 30 साल के थे। लेकिन वे इस बात से हैरान थे कि उन दोनों ने अपनी पारिवारिक छुट्टी एक ही जगह बिताई और एक ही जैसी तस्वीरें भी खिंचाई और उस वक्त उन दोनों की उम्र भी एक ही थी। वही नाम, वही होटल। सन 1950 के दशक के अंत में जॉर्ज डी ब्राइसन नामक एक व्यक्ति ने लुईविल केंटकी के द ब्राउन होटल में चेक इन किया। उन्होंने रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए और कमरा नंबर 307 की चाबी ले ली। एक बिजनेस मीटिंग से बाहर आने के बाद मिस्टर ब्राइसन रिसेप्शनिस्ट के पास ये पता करने गए कि कहीं उनके नाम से कोई खत तो नहीं आया है। तब रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक खत दिया जो मिस्टर जॉर्ज डी ब्राइसन के नाम पर था, पर जब उन्होंने वो पत्र पढ़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि ये उनके लिए नहीं था बल्कि उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने उनके चेक इन करने से पहले कमरा नंबर 307 से चेकआउट किया था। उन दोनों के नाम एक ही थे और वे दोनों एक ही कमरा नंबर 307 में रुके थे। दो अलग अलग बच्चों को अलग अलग जगह पर बचाने वाला एक ही आदमी। साल 1937 में डेट्रॉइट की एक महिला जब अपने चौथे मंजिले वाले घर की खिड़की के पास खड़ी थी तो गलती से उन्होंने अपने बच्चे को गिरा दिया। बच्चा चौथी मंजिल की खिड़की से गिरा और नीचे काम कर रहे जोसेफ फिगलॉक नाम के एक व्यक्ति के ऊपर जा गिरा। इस हादसे से जोसेफ फिगलॉक के सिर और कंधे पर चोट लगी। फिर एक साल बाद हूबहू वैसी ही एक घटना घटी। एक माँ एक ऊंची इमारत की खिड़की के पास खड़ी थी और उन्होंने गलती से अपने 2 साल के बेटे डेविड थॉमस को खिड़की से गिरा दिया और फिर हुआ यूं कि इस बार भी बच्चा जोसेफ फिगलॉक के ऊपर ही जा गिरा जो नीचे सफाई कर रहा था। इस हादसे से उनके हाथ पर चोट लगी लेकिन बच्चे की जान तो बच गई। क्या किसी के पास इस सवाल का जवाब है कि 2 सालों में लगातार 2 बार एक ही आदमी की सही समय पर सही जगह होने की संभावना क्या हो सकती है? रहस्यमय साल। साल 1988 में जिस दिन फरारी के संस्थापक एंजो फरारी की मृत्यु हुई उसी दिन 15 जुड़वा बच्चे मारे गए थे।
और फिर उसी साल फुटबॉलर मेसुद ओजिल का जन्म हुआ था। अजीब बात यह है कि इन लोगों में बहुत ही समानता है और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि मेसुद ओजिल एंजो फरारी का ही पुनर्जन्म है। वो पहला नृत्य। इस तस्वीर में अगर आप बाईं ओर देखेंगे तो आपको एक लड़का और लड़की एक साथ नाचते हुए दिखाई देंगे। दोनों ही स्पष्ट रूप से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। उस समय उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि फिर एक दिन वे साथ में अपनी शादी में नाचेंगे। ये सोचकर हैरानी होती है कि आप उस जगह पर प्यार कैसे पा सकते हैं जहाँ से आप कम से कम उम्मीद रखते हैं। लेकिन ये देखकर कितना अच्छा महसूस होता है कि ये दोनों बच्चों के रूप में कैसे मिले और फिर एक दूसरे को बड़े होने के बाद फिर से मिले। और अंतर ये है कि जब वे दोनों छोटे थे और साथ में नाच रहे थे तब कितने नाखुश थे, जबकि बड़े होने के बाद दोनों साथ में नाचते हुए कितने खुश लग रहे हैं। बाएं हाथ से काम करने वाले अमेरिकन राष्ट्रपति का संयोग। केवल 10% अमेरिकन ही उनके बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पिछले 14 अमेरिकन राष्ट्रपतियों में से आधे से ज्यादा बाएं हाथ का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति थे और पिछले 20 सालों में लगभग हर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बाएं हाथ से ही काम करते थे। साल 2008 के राष्ट्रपति उम्मीदवार जॉन मैकेन और बराक ओबामा भी बाएं हाथ का इस्तेमाल करते थे। फिर 1992 में राष्ट्रपति पद के तीनों उम्मीदवार ही बाएं हाथ से काम करते थे। The Duecks Twin Towers। साल 2000 में Duecks नामक एक कंप्यूटर गेम बनाया गया था। जब स्काईबॉक्स का एक कलाकार उस गेम का निर्माण कर रहा था तब वो ट्विन टावर्स इमारतों को न्यूयॉर्क शहर के स्काईलाइन से जोड़ना भूल गया, तो उस पर गेम बनाने वाली कंपनी ने ये सफाई दी कि गेम में एक आतंकवादी हमले में ट्विन टावर्स तबाह हो चुकी है और इसी वजह से गेम में उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के स्काईलाइन में ट्विन टावर्स को नहीं दिखाया है। उस वक्त उन्हें ये अंदाजा ही नहीं था कि ठीक एक साल बाद उनके विवरण से मेल खाता हुआ एक इत्तफाक होगा और हकीकत में ही ट्विन टावर्स एक आतंकवादी हमले में तबाह हो जाएगा। मोपेड पर सवार दो भाइयों की आश्चर्यचकित करने वाली मौत की कहानी। साल 1975 में एक आदमी बरमुडा में एक मोपेड की सवारी कर रहा था जब उसकी एक टैक्सी से टकराने के कारण मौत हो गई। फिर एक साल बाद उस आदमी के भाई ने उस मोपेड की मरम्मत करवाने का सोचा। फिर वो व्यक्ति एक दिन जब मोपेड की मरम्मत का भुगतान करके मोपेड की सवारी करने निकला तब उसकी भी अपने भाई की तरह टैक्सी से टकरा कर ही मौत हो गई। पर आश्चर्य की बात तो ये है कि उसकी मौत भी उसी टैक्सी ड्राइवर द्वारा संचालित टैक्सी से हुई जिससे टकरा कर उसके भाई की भी मौत हुई थी। तो क्या आपने कभी अपने जीवन में इस तरह का कोई संयोग देखा है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। हमेशा की तरह अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमें एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव देना ना भूले। हमारे सभी अनोखे वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक जरूर करें जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।